शाहरुख खान को भले ही इस वक्त रावण के सिवा कुछ और नजर न आ रहा हो, लेकिन फरहान अख्तर डॉन 2 को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। फरहान ने फिल्म के प्रमोशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने कंधों पर। फिल्म के डायरेक्टर फरहान ने कल मुंबई में लॉन्च किया फिल्म का फर्स्ट लुक, वो भी बिना फिल्म के लीडिंग स्टार्स के साथ। इस इवेंट पर ना तो फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान प्रेजेंट थे और ना ही फिल्म की एक्ट्रेसेस, क्योंकि प्रियंका इज बिजी शूटिंग फॉर अदर फिल्म्स एंड लारा दत्ता इज प्रेग्नेंट। फरहान से जब इस बिना स्टार्स के इवेंट के बारे में पूछा गया तो फरहान ने दिया ये जवाब। हाँ अभी इस वक्त मुझे एक किसी ने ट्वीट भेजा कुछ दिन पहले कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त वो रावण की प्रमोशन कर रहा है। सो एनीवे या अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट बी हियर विद अस टुडे, ही इज आउट फॉर अ वेरी जस्टिफाइड रीजन प्रमोटिंग हिज फिल्म एंड आई थिंक देयर इज अ प्रीमियर हैपनिंग इन दुबई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो ही इज बिजी देयर। It would have been great for him to be here, but since the trailer is releasing along with the film, we thought we should definitely present it to y'all before it goes out. यानी कि जब तक रावण का प्रमोशन पूरा नहीं होता, हमें डॉन की झलक मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस वक्त एक्चुअली ना तो रितेश ना मैं शाहरुख को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनके प्रमोशन से। He is very very busy with of course till now the post production on his film and now the promotion of his film. So right now whatever is going on, I mean of course Shahrukh is completely aware of everything that's been done. जो डॉन से सीरीज हमने की है, he is aware of that. We shot with him for that as well. तो वो जानते हैं कि क्या प्रमोशन हो रहा है, बट हिज इन्वॉल्वमेंट विल स्टार्ट वंस ही इज डन विद प्रमोटिंग RA1 एंड ही इज गॉट अ लॉट मोर प्रमोशन लेफ्ट आई गेस। ये तो हुई शाहरुख की बात, लेकिन इस इवेंट से गायब रही प्रियंका और लारा भी। लारा हैज अ वैलिड रीजन टू बी एब्सेंट एज शी इज प्रेग्नेंट, बट वेयर इज प्रियंका? वेल, प्रियंका भी है बिजी विथ हर अदर प्रोजेक्ट्स लाइक शाहरुख। वैसे फरहान अख्तर के पास डॉन 2 के प्रमोशन के लिए अभी काफी वक्त है, वो चाहते तो अपने डॉन यानी कि शाहरुख का वेट कर सकते थे, लेकिन फरहान ने बिना शाहरुख फिल्म को प्रमोट करना ज्यादा बेहतर समझा। फरहान इससे पहले भी डॉन 2 के कई इवेंट्स में अकेले ही नजर आए। डॉन और डायरेक्टर के बीच आई इस डिस्टेंस की वजह अभी तक किसी को पता नहीं चल रही है। वेल, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फरहान को अकेले ही मीडिया के हर सवाल का जवाब देना पड़ा, लेकिन एक सवाल पर फरहान ने भी रखा सस्पेंस, और वो था डॉन सीरीज का हिट सॉन्ग खई के पान बनारस वाला गाना था, तो इस डॉन में क्या वो गाने का तड़का हम लोगों को मिलेगा देखने को? ये मैं आपको मतलब ये आई लीव यू विद द सस्पेंस टू सी द फिल्म एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ अबाउट द वेरियस तड़कास इन द मूवी। डॉन 2 की प्रमोशन की स्ट्रेटजी आमिर की गजनी की प्रमोशनल स्ट्रेटजी से काफी मिलती जुलती है। फिल्म के रिलीज होने तक कुछ थिएटर्स के अशर्स विल बी ड्रेस्ड एज मलेशियन प्रिजनर्स इन ऑरेंज यूनिफॉर्म। शाहरुख इज ऑल्सो ड्रेस्ड इन द सेम वे इन अ मेजर पोर्शन ऑफ द फिल्म। वेल, फिल्म का फर्स्ट लुक एंड द स्ट्रेटजी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब बस वेट है तो फिल्म के लीडिंग स्टार्स का, ताकि प्रमोशन भी हो जाए इंटरेस्टिंग।